हम उन सर्वोच्च देव ज्ञान और पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु है ग्रीव की ध्यान और आराधना करते हैं, जो ज्ञान की सभी विधाओं के स्वामी हैं। जो भी प्रभु है ग्रीव के इस मंत्र का उच्चारण करता है वो एकाग्रचित होकर ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होता है और अत्यंत प्रबल स्मरण शक्ति का स्वामी बनता है। वाणी, शब्द ज्ञान और वाक चातुर्य में निपुणता के साथ तर्क वितर्क में विलक्षण प्रतिभा प्राप्त करता है और पुत्र भक्ति और श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करने से सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। अर्थात प्रभु हैग्रीव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। तो मेरे प्रश्नों के उत्तर भी मुझे उनसे सहजता से अवश्य प्राप्त होंगे। पुत्र, सदा स्मरण रखना, सहजता से ज्ञान प्राप्ति करना भ्रामक भी हो सकता है। उचित है माँ, प्रभु हैग्रीव तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, फिर उनके समक्ष पहुंचकर कोई भ्रम कैसे शेष रह सकता है। किंतु माँ, उन माता पराशक्ति को लेकर मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए आप। माता की महिमा का ज्ञान तुम्हें प्रभु हैग्रीव से ही प्राप्त होगा पुत्र। वेदों को उनके उचित स्थान पर लौटाने के पश्चात माता पराशक्ति ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान के ईश्वर की उपाधि भी प्रदान की। प्रभु हैग्रीव ने माता की तपस्या कर उनसे उनकी महिमा और अनेक ब्रह्मांड के अस्तित्व का ज्ञान भी प्राप्त किया और इस प्रकार माता से समस्त ज्ञान प्राप्त कर उन्हें ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव का पद भी प्राप्त हुआ। इसलिए पुत्र, ज्ञान मूर्ति प्रभु को ढूंढकर उन्हीं से अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहिए। उनका आश्रम उस भाग में है जहाँ सघन वन में वृक्ष, पौधे अर्थात प्रकृति का प्रत्येक अंश दिव्यता से परिपूर्ण होकर माता पराशक्ति के मंत्र का जाप करता प्रतीत होता है। सघन वन में तो पहुंच गया मैं, तो ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव का आश्रम भी यही कहीं होगा। आह, कितने आश्चर्य की बात है, यहाँ तो प्रत्येक वृक्ष और पौधे का दिव्य अनुपम तेज है। पिताश्री ने जैसा वर्णन किया था सब कुछ वैसा ही है। यहाँ वृक्षों पौधों की अनुपम आभा है और ऐसा लग भी रहा है जैसे ये सभी माता पराशक्ति के मंत्र का जाप कर रहे हैं। किंतु फिर मुझे प्रभु हैग्रीव के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे वन के इसी भाग में ढूंढना होगा उन्हें। ज्ञात नहीं हो रहा, कहाँ है ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव का आश्रम? वो स्थान तो वन के अन्य स्थानों से भी अधिक प्रकाशित है, तो कदाचित वहीं जाना चाहिए मुझे। मुझे तो आशा थी कि यहाँ पहुँचने पर मुझे ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव के दर्शन अवश्य होंगे, किंतु वो तो यहाँ भी नहीं है। इस वन का कोई भाग शेष नहीं रहा अब। सभी स्थानों पर तो उन्हें ढूंढ चुका हूँ और अवश्य यही स्थान इस वन का सर्वाधिक दिव्य भाग है, जहाँ प्रबल स्वर में माता के मंत्र का जाप सुनाई दे रहा है। किंतु यदि प्रभु यहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ है वो?
क्या किसी कारणवश प्रभु ने स्वयं को मुझसे गुप्त किया है? तो क्या मैंने ही अभी तक पूर्ण प्रयास नहीं किया है? पुत्र, सदा स्मरण रखना, सहजता से ज्ञान प्राप्ति करना भ्रामक भी हो सकता है। कदाचित मुझसे ही भूल हुई, जो मैंने ये मान लिया कि बिना विशेष प्रयास किए ही अत्यंत सहजता से मैं प्रभु हैग्रीव को ढूंढने में सफल होऊंगा। भक्ति और श्रद्धा से उनके मंत्र का उच्चारण करने से सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। प्रणाम ज्ञानमूर्ति प्रभु हयग्रीव। प्रणाम गणेश जी। हे गौरी नंदन, हे महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। मुझे ज्ञात है कि आप अपने अनेकों प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए यहाँ पधारे हैं। हे ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव, आप ही संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता हैं, इसलिए प्रभु आप ही मेरी सभी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। और अभी आपके दर्शन पाकर तो मेरे मन में वो सभी प्रश्न पुनः उभर उठे हैं, जिनके उत्तर पाने के लिए मैं इतना व्याकुल हूँ। प्रभु, असंख्य ब्रह्मांड क्यों, कैसे और कहाँ है? माता पराशक्ति अर्थात संसार की सर्वोच्च माता कौन है? और वो तीन विचित्र जीव जिन्हें मैंने माँ पिताश्री और कुबेर जी के साथ देखा था, वो कौन है? और मैं ये भी ज्ञात। शांत गणेश जी, आइए मेरे साथ चलिए। जी प्रभु, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर मुझे इस जलाशय की ओर क्यों ले जा रहे हैं? प्रभु कृपा कर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। आप मुझे तो मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, फिर आप मुझे जलाशय में। शांत, तनिक धैर्य रखिए गणेश जी। इस जलाशय के जल को ध्यान से देखिए, शांत और स्थिर जल में कितना स्पष्ट प्रतिबिंब उत्पन्न हो रहा है, किंतु जैसे ही ये जल चंचल होगा ये प्रतिबिंब अस्पष्ट हो जाएगा। आप स्वयं देखिए गणेश जी। प्रभु, इस जल के उदाहरण से हमें यही सीख प्राप्त होती है ना, कि शांत और स्थिर मन से ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर उसे पूर्णता में ग्रहण और समझने में समर्थ हो पाता है, और अशांत मन से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर भी उन्हें समझना कठिन हो जाता है। सत्य कहा ना प्रभु। इसलिए सर्वप्रथम आपको माता पराशक्ति की आराधना हेतु उनके मंत्र ओम श्री मात्रे नमः का जाप कर अपने मन को शांत करना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः। अब माता की कृपा से आपका मन शांत और स्थिर है, तो अब पूछिए गौरी नंदन।
आप अपने किस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं? हे ज्ञान और बुद्धि के ईश्वर, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व मुझे आप अपने ज्ञान मूर्ति स्वरूप के दर्शन प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। अवश्य गौरी नंदन। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। प्रभु, आपके ये अद्भुत दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी जिज्ञासाओं से मैं परिचित हूँ गौरी नंदन, किंतु पूछिए, सर्वप्रथम आप मुझसे क्या ज्ञात करना चाहते हैं? ओ हाँ प्रभु, सर्वप्रथम मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि पिताश्री ने रावण के विषय में बताते हुए ये क्यों कहा कि ब्रह्मांड एक नहीं अनेक है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भिन्न रावण का जन्म होता है, ये क्या रहस्य है प्रभु, कृपया मुझे बताइए। एक साधारण जीव उसी को अपना संसार समझता है जिसे वो देख पाता है या जिसका उसको अनुभव होता है। देवी देवताओं का ज्ञान भी उनके लोकों तक ही सीमित रहता है और त्रिदेव और त्रिदेवियों को भी अपने ही ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान होता है, किंतु उनके ज्ञान और अनुभव के परे अनंत सागर में असंख्य ऐसे ब्रह्मांड हैं जो सभी अर्थों में एक दूसरे के समान ही हैं। सभी ब्रह्मांडों में वही सूर्य, सौर मंडल, ग्रह और यहाँ तक कि जीव जंतु भी एक समान ही होते हैं। तो संसार की परिक्रमा करते समय, परशुराम जी के साथ गोलोक जाते समय, गोलोक के मार्ग में जिस अद्भुत दृश्य को देखकर मैं असमंजस में आ गया था, वो संसार के इस अनंत विस्तार का ही दृश्य था। किंतु कितने अचरज की बात है कि इन असंख्य समान ब्रह्मांडों के सभी जीव जंतु भी समान हैं। जीव जंतु, वृक्ष पौधे, नदी पर्वत ही नहीं गौरी नंदन, हर ब्रह्मांड के देवी देवता, उनका नेतृत्व करने वाले देवराज इंद्र, त्रिदेव, त्रिदेवियां भी समान है। अर्थात ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव है। हाँ गौरी नंदन, और स्वयं आप भी। स्वयं मैं भी। और जब इन असंख्य ब्रह्मांडों में अन्य सब कुछ समान है, तो वहाँ वही छोटे बड़े असुर भी जन्म लेते हैं जो अन्य ब्रह्मांडों में होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कितना अद्भुत है ये दृश्य। अर्थात हमारे महानायक की शक्ति में वृद्धि हो रही है। प्रकार तो हमारे महानायक समय से पूर्व ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रत्येक ब्रह्मांड का समय चक्र भी समान रूप से ही गतिमान होता है, जिसके अनुसार प्रत्येक कल्प के प्रत्येक त्रेता युग में असुर रावण का जन्म होता है, जो हर ब्रह्मांड में एक समान अधर्म और दुराचार करता है। फिर उसकी पापों की गागर भरने पर प्रभु श्री हरि नारायण राम अवतार में उसका वध कर उन्हें धर्म की स्थापना करते हैं। महादेव के कथन के पीछे छिपे इस गूढ़ रहस्य को मुझ पर उजागर करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अब ज्ञात हुआ मुझे कि माता पराशक्ति की रचना और जीवन की क्रिया तो अनंत है, ब्रह्मांड एक नहीं
अनेक हैं। हाँ गौरी नंदन गणेश जी, और इस असंख्य ब्रह्मांड का 108 की संख्या के समूह में अनंत विस्तार है, जो संयुक्त रूप से एक महाब्रह्मांड की रचना करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों की जननी है समस्त माताओं की माता, माता पराशक्ति। प्रणाम माता। प्रणाम माता। मेरा अगला प्रश्न तो माता पराशक्ति को लेकर ही था प्रभु। माँ ने कहा था उनका रहस्य भी आप ही को ज्ञात है, तो मुझे बताने की कृपा करें प्रभु कि क्या वो माँ पार्वती से भिन्न है और उनका निवास कहाँ है। ना वो हमसे भिन्न है ना हम उनसे, और यह असंख्य ब्रह्मांड भी तो उन्हीं के अंश है। माता पार्वती जगत जननी है और माता पराशक्ति प्रत्येक जगत की जननी है। माता पार्वती की भी इसलिए तो उन्हें माताओं की माता भी कहा जाता है। संपूर्ण संसार अर्थात इस अनंत संसार के कण कण में जो सर्वोच्च चैतन्य के रूप में व्याप्त है, जिनसे सर्व जगत में चेतना का संचार होता है, जो चैतन्य की व्यक्त और द्वितम रूप है, उन्हीं माता ललिता पराशक्ति का सभी दिव्य शक्तियों में सर्वोच्च स्थान है। संपूर्ण संसार अर्थात इन अनंत असंख्य ब्रह्मांडों में रचित महाब्रह्मांड में माता पराशक्ति की ही सत्ता है। जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब उन्हीं की लीला है, और उन्हीं की लीला के अनुसार आपने उन तीनों दृश्यों को देखा था गौरी नंदन। किंतु प्रभु वो तीन जीव हैं कौन? वो तीनों तीन महाविकारों से जन्मे तीन महाअसुर हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर मनुष्य को उनके पतन की ओर ले जाते हैं। उनमें प्रथम नरकंकाल रूपी लोभासुर है, जिसका जन्म लोभ से हुआ था। उसे आपने कुबेर जी के साथ इसीलिए देखा क्योंकि उसका जन्म स्वयं कुबेर जी के लोभ से हुआ था। स्वर्ण ही स्वर्ण है मेरे चारों ओर, अमूल्य आभूषण और रत्नों से घिरा हूँ मैं, अत्यंत समृद्ध संपन्न हूँ मैं, अत्यंत आनंदित हूँ मैं। यदि ये स्वर्ण जगत में बांटने पर विवश न होता मैं, तो मेरे चरणों के नीचे स्थित ये स्वर्ण पर्वत मेरे चरण स्पर्श कर रहा होता। ये मेरा चरण स्पर्श किसने किया? यदि ये स्वर्ण जगत में बांटने पर विवश न होता मैं, तो मेरे चरणों के नीचे स्थित ये स्वर्ण पर्वत मेरे चरण स्पर्श कर रहा होता। ये क्या हो गया मुझसे? जिस धन संपत्ति का मैं मात्र संरक्षक हूँ, उसी के लोभ के वश में कैसे आ गया मैं? ये संपूर्ण धन, ये स्वर्ण, ये अमूल्य रत्न, ये सब मेरे ही है ना? नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरा जन्म तो आपसे ही हुआ है ना? आज ये सब आपका है, कल ये सब मेरा होगा, मात्र मेरा।
नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तो मात्र इस धन कोष का संरक्षक हूँ। इस धन पर तो समस्त जगत का अधिकार है। नहीं, अन्य किसी का नहीं है, ये सब मेरा है, मेरा है। रुक जाओ, छोड़ो उसे और चले जाओ यहाँ से। ज्ञान और विद्या ही एक ऐसी निधि है जिन्हें बांटने पर वो कम नहीं होती है, अपितु और भी बढ़ती जाती है। हम अपनी शक्तियाँ भंडासुर को देके उन्हें सर्वशक्तिशाली बना देंगे। मैं तुम्हारे असुर सेवकों को तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा भंडासुर।